नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं इसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेत्सिं पडमंगवै मंगलं मंगलानं च सवेत्सिं पडमंगवै मंगलं निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का निज स्वरूप को पहचानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा को नहीं जाना उसकी महिमा को नहीं पहचाना आज तक जिसकी शरण ग्रहण नहीं की जिसका आश्रय नहीं लिया ऐसे निज शुद्ध आत्मा का आश्रय ग्रहण करेंगे शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने के लिए आंख बंद कर लीजिए बहुत गहराई में शांत चित्त से लक्ष्य के प्रति सजग हो जाइए समर्पित भाव से एक बार
अपने लक्ष्य को दोहराएं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। अपने उद्देश्य के प्रति कनेक्ट रहते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ सेशन में आज परावर्तना जो हमारी चल रही है सेशन 6 से 10 तक की, आज हम वो रिकैप सेशन है जो 6 से 10 तक आपने सुना है, समझा है, चिंतन भी किया है। उसमें से यदि कोई शब्द न समझ आया हो, कोई भाव पकड़ में न आया हो, या आपकी कोई इनसे संबंधित जिज्ञासा हो, 6 से लेके 10 तक के सेशन से संबंधित जिज्ञासा हो, तो पहले आपको पूछने का मौका देंगे और उसके पश्चात महाराज श्री जी आपको प्रश्न पूछेंगे। परावर्तना के लिए एक शब्द हम आपका करेक्ट करा दे, बहुत सारे लोग परावर्तना को पर्यटना बोलते हैं। अब वो जो भगवान महावीर जी का शब्द है वो प्राकृत का है पर्यटना, पर्यटना, और ये पर्यटना जो है ना ये घूमने फिरने वाला है, ये भ्रमण कराने वाला, जो कहते पर्यटन करने गए वो आउटसाइड का है, इसलिए ये परावर्तना है, परिवर्तना भी नहीं है, परी नहीं है, परा है, परावर्तना है, और भगवान की भाषा में पर्यटना है, इसलिए कोई भी इसे गलत उच्चारण ना करे। और गलत सेंस में तो खैर आप नहीं समझते हैं, पर शब्द भी हमारा करेक्ट रहे। हाँ जी, कोई जिज्ञासा है तो अपने आप हाँ हाथ खड़ा कर सकते हैं। शिल्पी महाराज साहब, एक हाँ जी शिल्पी बोलो। हाँ महाराज साहब, जब हम पढ़ रहे, जब हम इसमें आता है, जब शुभ अशुभ भाव जो है वो कर्म के संयोग से है, कर्म के उदय से है। जब जो भाव आत्मा की प्रॉपर्टी है, जब वो भाव पर का लक्ष्य करते हैं तो वो कर्म के उदय से जो विकल्प उठ रहे हैं, उसको हमने जो विभाव का नाम दिया वो शुभ शुभ भाव है। मेरा क्वेश्चन था कि जो शुद्ध भाव है वो वही भाव जब आत्मा का लक्ष्य करते हैं, जब स्वसन्मुखता वाले हैं वो शुद्ध भाव है, तो वो हमेशा है या वो भी आते हैं या जाते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अब ये भाव आत्मा की प्रॉपर्टी है नंबर वन, इसलिए भाव आत्मा की प्रॉपर्टी है क्योंकि जड़ को कोई भाव नहीं होता, ये आपको पता है। जड़ भाव शब्द दिया गया है पर जड़ को भाव नहीं होते, ये पक्की बात है। भाव इसलिए किसकी प्रॉपर्टी है? आत्मा की। अब आप देखिए कि जो शुभ और अशुभ भाव है वो पर के लक्ष्य से है, जैसा शिल्पी ने बोला बिल्कुल सही है। अब रह गई बात शुद्ध भाव की, तो स्व के लक्ष्य से जो हम समझे कि शुद्ध भाव है, तो स्व के लक्ष्य से जो हम भाव भाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बोला मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये जो भाव है शिल्पी, ये कौन सा वाला भाव है? ये अति शुभ भाव है, पर कौन सा भाव है? ये भी शुभ भाव ही है। अब देखिए शुद्ध भाव तो तब प्रकट होगा जब आत्मा का अनुभव होगा, जब आत्मा का अनुभव होगा, और शुद्ध भाव जब प्रकट होता है तो परिणति शुद्ध होती है। परिणति का मतलब जो चारित्र संबंधित शब्द है ना, जो अनंतानुबंधी चौकड़ी का क्षय होता है कषाय का, तो तब जाके शुद्ध भाव प्रकट होता है। फिर वो शुद्ध भाव हमारा
रहता है परंतु शुद्ध उपयोग सदा नहीं रह पाता है। फिर से अनुभूति होती है तब शुद्ध उपयोग रह पाता है। मेरा ख्याल जिस लक्ष्य को लेकर शिल्पी ने पूछा था वो उसे पॉइंट पकड़ में आ गया होगा। और शेष लोगों को समझाने के लिए ये है कि शुभ और अशुभ भाव जो है वो कर्माधीन भाव है, और शुद्ध भाव प्रकट होगा। कब प्रकट होगा? जब आत्मा की क्या होगी, अनुभूति यानी सम्यक दर्शन होगा, तब शुद्ध भाव क्या होगा, प्रकट होगा। और वो शुद्ध भाव परिणति शुद्धता के साथ 25% का तब क्या रहता है, बना रहता है। यानी भाव तो आत्मा की प्रॉपर्टी, नंबर वन क्लैरिटी। पर के लक्ष्य से जो भाव आते हैं वो पर भाव है, वो विभाव है, वो जड़ भाव है, वो चाहे आत्मा की प्रॉपर्टी है परंतु किसका लक्ष्य करके आए हैं, पर का लक्ष्य करके आए। तो स्व का लक्ष्य करने से मेरे भाव शुद्ध हो जाएंगे ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि पर का लक्ष्य करके अभी तो हमारा क्या है, प्रयास है। तो वो प्रयास भी अति शुभ भाव है, शुभ भाव है, परंतु है तो कौन सा भाव, शुभ भाव ही है। जब जिस दिन अनुभूति प्रकट होगी उस दिन भाव हमारा क्या कहलाएगा, शुद्ध भाव कहलाएगा। बस इतना भी याद रखेंगे अभी की भूमिका में तो भी बहुत सही रहेगा। शिल्पी समाधान हो गया आपका? हाँ, अब नीता जी आप ये पूछना चाहते हैं कि भावों की चेकिंग कैसे करें, ये आपका अभिप्राय पकड़ू मैं? ठीक है जी। अब आपने जो पूछना चाहे कि परिणाम यानी भाव की चेकिंग क्या करनी है, जब मुझे पता लग गया कि शुभ और अशुभ भाव दोनों ही किसके अधीन है, कर्म के अधीन है। कर्म का क्या है, वो उदय है, यानी चाहने से होते नहीं है, कर्म से, कर्म के उदय से होते कर्म का परिणाम है। अब है चेकिंग, ये भावों की चेकिंग का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये नहीं कि ये मेरा भाव अशुभ है, ये मेरा भाव शुभ है, इसकी चेकिंग का नाम भावों की चेकिंग नहीं है। भावों की चेकिंग का मतलब है कि ये भाव, दोनों ही भाव, शुभ और अशुभ दोनों ही भाव विभाव है, ऐसा मानने में आना, ये इसकी चेकिंग है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अशुभ भाव आएगा तब तो उसको विभाव बड़ा इजीली बोल देते हैं, पर शुभ भाव आए तो अपनी चेकिंग नहीं कर पाते हम। हम चेकिंग नहीं कर पाते तो क्या होता है, हमारी मिथ्या मान्यता पुष्ट हो जाती है कि आज का दिन तो मेरा शुभ भाव के अंदर गया है, आज का दिन तो मेरा बहुत बढ़िया गया है, इसका मतलब भावों की चेकिंग नहीं की। भावों की चेकिंग करते तो क्या परिणाम आता, क्या रिजल्ट आता, कि ये भाव भी वो भाव है जो आता है और जाता है, जो आए और जाए वो मेरा स्वभाव नहीं है, ये चेकिंग का रिजल्ट आना चाहिए, ताकि हम उस शुभ भाव को धर्म न मान के बैठे, नंबर वन। उस शुभ भाव को हम अच्छापन का लेबल देकर के सेटिस्फाइड ना हो जाए, उस शुभ भाव के साथ हमारा अटैचमेंट ना हो जाए, और हमें ये जागृति रखे। चेकिंग का मतलब जागृति के लिए चेकिंग है, तो चेकिंग का मतलब जागृति ये रखे कि ये भी आया और गया, चाहे आत्मा का चिंतन करने का भाव आया, फिर भी वो आया और क्या हो गया, गया। किसी का 2 घंटे में गया, किसी का 5 मिनट में गया, वो छोड़ दीजिए, पर आया और क्या हो गया, गया। तो जो आए और जाए वो पर भाव, वो जड़ भाव, वो विभाव मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, उससे मैं नहीं हूँ, मेरे कारण वो नहीं है, उसके कारण मैं नहीं हूँ, ये चेकिंग हो तो अपनी तरफ आएंगे। अपनी तरफ आने का प्रयोजन है भावों की चेकिंग से, वरना भावों में ही उलझते हुए आज तक अनंत जन्म मरण हो गए। अच्छे भाव किए, अच्छी गति मिल गई, अच्छी गति में फिर कोई सारे भाव तो अच्छे हुए नहीं है, फिर बुरे भाव से फिर से दुर्गति मिली, और ये झूला हमारा चलता रहा। इस झूले का अंत आए इसके लिए भावों की चेकिंग है। मैं समझती हूँ नीता जी, जो हाँ जी, क्रोध का भाव भी आया तो ये भी गुस्सा भी मैं नहीं हूँ, ये भी मेरा नहीं है। तो इस तरीके से करेंगे अच्छे भाव के लिए भी और बुरे भाव में, बिल्कुल ये नहीं बोलना कि ये गलत है या ये सही है। बोल, भले बोल दो नीता जी, मानना मत
भले आप किसी को बोल दोगे क्या सारा दिन मेरा शुभ भाव में बीता, बोलना कोई बात नहीं, पर अंदर में जागृति ये रखना कि ये भाव भी मेरा भाव नहीं है, जो आज आया वो कल आएगा कि नहीं आएगा, और जो आए और जाए वो तो मैं हुई नहीं, तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ की स्मृति आते ही आपकी साधना शुरू होगी और परिणामों की चेकिंग वहाँ जाके रिजल्ट लाएगी। वरना अगर परिणामों की यानी भावों की चेकिंग नहीं करेंगे तो हमने, अब एक सूक्ष्म बात बोलने जा रहे हैं, आज तक हमने अपनी पहचान सदा ही भावों से की है कि नहीं की है, समझ ही आ गया सबको कि परिणामों से, परिणाम कहते भाव को भी, भावों से मैंने अपनी पहचान करी, आज दिन मेरा अच्छा गया, आज दिन मेरा अच्छा नहीं गया, परंतु आज से ये पक्का कर लीजिए परिणाम यानी भाव मेरी पहचान नहीं है। होगा डाइजेस्ट सबको, परिणाम मेरी पहचान नहीं है, जैसे ये परमाणु मेरी पहचान नहीं है ना, ये तो सबको पता है कि ये अनंत परमाणुओं का ये पिंड मेरी पहचान नहीं है, यानी ये शरीर मेरी पहचान नहीं है, ऐसे ही अब वन स्टेप अप हो जाना कि परिणाम भी मेरी पहचान नहीं है, यानी ये परभाव, ये विभाव, ये शुभ भाव, ये अति शुभ भाव, जिसको नाम शिल्पी ने दिया अति शुभ भाव, ये अति शुभ भाव भी मेरी पहचान नहीं है। अब मेरी से मतलब समझ गए आप, ये मेरी पहचान नहीं है, ये पक्का होना चाहिए, तब समझना भावों की चेकिंग जो है वो मेरी सूक्ष्मता में जा रही है। सुंदर प्रश्न था, आगे कोई जिज्ञासा है किन्नी की, पूछे महाराज जी प्रश्न फिर आपको या करे वेट आपकी। चलिए अब महाराज जी आपको प्रश्न पूछने जा रहे हैं। रिकैप सेशन के अंदर ये हमारा सेशन परावर्तना के अंदर छठे से लेकर के दसवें तक के टॉपिक को कवर कर रहा है, लेकिन प्रश्न जो है वो नंबर 4 और नंबर 5 का भी कवर कर रहा है, क्योंकि आपको कितना याद है उसके लिए फिर से एक बार थोड़ा सा पीछे जाने की आदत हमेशा अच्छी होती है। लोग सोचते हैं आगे जाना है, पर आगे जाने के लिए थोड़ा पीछे हमेशा जाएंगे तो रिवीजन की जगह हमारा रिवीजन हो जाएगा और हमारी स्ट्रेंथ जो है वो कुछ गुना बढ़ सकती है। और इसलिए अब पहला ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन की शैली है जिसका नाम है बिकॉज, क्योंकि क्योंकि बोलने की तो कितनी आदत है हमें, रीजनिंग देने की। अब यहाँ पे आपको रीजनिंग बतानी है क्योंकि, बिकॉज। नंबर 1, मुझ में दुख का प्रवेश नहीं, मुझ में दुख का प्रवेश नहीं क्योंकि। हाँ जी सुरेश जी, क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि जिसमें ना कोई आ सकता है ना कुछ आ सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। और कोई इसके अलावा और कोई अपना अपना थॉट देना चाहे इसके अलावा? शिल्पी सुनीता जी, हाँ जी, क्योंकि मैं घन पिंड हूँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं घन पिंड हूँ, किसका पिंड हूँ? जिसने कुछ जा ही नहीं सकता, हाँ। गुणों का, अनंत गुणों का, अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई किसी के पास और कोई इसके अलावा? हाँ जी महाराज जी, पहले हाँ जी बोलिए, बोलो। मैं ठोस हूँ, ठोस ठोस, वही घन पिंड में कवर हो गया शब्द। हाँ जी नीलम जी, हाँ जी नीलम जी, क्योंकि मैं सुख ही हूँ। जब हमने अनंत गुणों का घनपिंड कह दिया ना, इसके अनुसूत्र पर
हाजी नीलम जी, जब हमने अनंत गुणों का घनपिंड कह दिया तो उसके अंदर सुख गुण आ गया, श्रद्धा गुण आ गया, वीर्य गुण आ गया, सारे गुणों का जो है मैं घनपिंड हूँ, अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। और ये बहुत सुंदर तरीके से आपने अंदर में उतार लिया है कि मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ, इसका मतलब मुझ में स्पेस ही नहीं है। जैसे सुरेश जी ने कहा कि मेरा स्वरूप ही ऐसा है जिसमें किसी का प्रवेश नहीं हो सकता, ये इतनी क्लैरिटी के साथ आपको पूरे पूरा इसके अंदर भरोसा पड़ जाना चाहिए कि यही वितराग विज्ञान है जिसके कारण आत्मा को मोक्ष की क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, मेरा मोक्ष निकट है, मेरा मोक्ष निकट है क्योंकि पांच सेकंड ले लीजिए सोचने के लिए। महाराज साहब मैं बताऊं, वाणी। हाजी वाणी जी बोलिए। क्योंकि मेरी आत्मा में रुचि पैदा हो गई है, उत्पन्न हो गई है, मुझे इसमें रस आने लगा है, तो इसलिए मेरा मोक्ष। बहुत बहुत सुंदर, क्योंकि आत्मा की बात सुनने में अभी मुझे उल्लास जागा है, आत्मा की बात सुनने में मेरा उत्साह जागा है, यानी उल्लास, उत्साह, उत्कंठा, रस, जिसकी से शब्द में आप समझ सको, यानी आत्मा की चर्चा सुनने में, आत्मा की महिमा समझने में यदि मुझे इतना रस आ रहा है तो समझ लेना कि क्या निकट है, मोक्ष निकट है, मोक्ष निकट है। और हाँ, अब इस बात को थोड़ा गहरा करते हैं, बहुत सुंदर आप लोगों ने भी समझा है इस बात को, पर थोड़ी अनसेटिस्फेक्शन मुझे है, और इसलिए इसी के संदर्भ में गहरा क्वेश्चन है कि यदि मुझे आत्मा की बात सुनने का उल्लास आता है, उत्साह आता है, रुचि आती है, अच्छा लगता है, जो भी शब्द है, तो ये मेरा उल्लास, ये मेरा उत्साह वाकई में है क्या उल्लास और उत्साह, उसकी चेकिंग कैसे करें, उसका थर्मामीटर क्या होगा, अपने को खुद से खुद को जांचने का, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है कहीं ऐसा में, तो ये मेरा वाकई में मुझे आत्मा की रुचि जागी है, वाकई में मुझे आत्मा की बात सुनने का उल्लास आ रहा है, इसको कैसे चेक किया जाए। हाँ जी उषा जी, हाँ उषा जी बताइए। हाँ, जब अनित्यता की असारता का बोध होने लगता है, अनित्यता की असारता का बोध होने लगता है, तो क्या समझे कि वाकई में मेरी रुचि जागी है, हमारी रुचि रुचि स्व में आने लगती है, पर से रुचि हट जाती है। आनी बोलना, ऐड करो। हाँ बारे साहब, जो मुझे समझ में आते हैं, एक बार हमने बात करी थी कि आप अपने आप की चेकिंग इस तरह से कर सकते कि आपकी आकुलता व्याकुलता कम हो रही है या नहीं, मतलब आप किसी भी उसमें बहुत ज्यादा तो नहीं वो परेशान इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर कहा, दोनों पॉइंट सुंदर हैं। और तीसरा पॉइंट सुरेश जी का, उल्लास की जो बात है, उल्लास है की जब घड़ी जो है ना लगता रुक गई। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, यानी समय का बोध नहीं रहता, ये कहना चाहते हैं सुरेश जी कि समय का बोध भूल जाता है। बहुत सुंदर, अब अनिल जी का पॉइंट है। इतना महाश्री, जब मुझे जीवन मरण की थकान लगने लगती है, परिक्रमण में मुझे थकान महसूस होने लगता है, तो मुझे लगता है कि मेरी आत्मरुचि की जगी है। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। और किसी ने कुछ बोलना है? हाँ जी पारुल बोलो। हाँ जी, बारंबार अपने डेली रूटीन में जैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते रहे, अपने से याद आता रहे, उससे भी हमको कॉन्फिडेंस आता है कि अब मोक्ष निकट है, निकट है और उल्लास मेरा बना हुआ है। ठीक बात है, बहुत सुंदर। पारुल ने भी अपना पॉइंट बताया, और कोई पॉइंट किसी ने बताना हो? हाँ जी सुभाष जी बोलिए। सुभाष जी बोलिए बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन हम साक्षी भाव में आ गए, जो हो रहा है उसके केवल हम साक्षी है, अच्छा, निश्चित ही हम मोक्ष के बहुत नजदीक है। हाँ ठीक बात है। अभी कि मेरा उल्लास वाकई में जागा कि नहीं जागा, इसकी चेकिंग हम कर रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट बहुत लोगों ने बहुत सुंदर बताए सबने, यानी इसको समाप्त कर ले। अब हम
मेरा उल्लास है या नहीं, तो उल्लास के लिए बहुत सुंदर बात एक है जो सुरेश जी ने बताया, उसी के अपोजिट वाली हो सकती है कि आत्मा की बात सुनने में थकान ना लगे, थकान ना लगे। तो थकान कब नहीं लगती, अब इसको और गहरा करते, थकान कब नहीं लगती, जब रस आ रहा होगा, है ना, रुचि यानी रस आ रहा होगा। और थकान तब नहीं लगती जब ये पता लगे, अब एक बहुत सुंदर बात बताने जा रहे, कि ये मेरी बात हो रही है, ये मेरी बात हो रही है। अब आत्मा छोड़ दो, ये मेरी बात हो रही है। और आप देखिए, जहां मेरी बात हो रही हो वहां कितना उल्लास आता है। अब आप देखिए, घरों के अंदर आपने देखा होगा, हो सकता आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कहीं दो लोग बात कर रहे होंगे और दरवाजा बंद होगा और आपको लगे कि कहीं मेरी बात ना कर रहे हो, कहीं मेरी बात ना कर रहे हो, तो कान लगा के भी वहां खड़े हो जाते हैं। किसी ना किसी रूप में सुनने का एक रुचि वहां लगी रहती है। क्यों लगती है? कहीं मेरी बात ना हो रही हो, वो तो नेगेटिव हो गया। यानी मेरी बात लगे, आत्मा की बात, कोई दूसरा तीसरा चौथा आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, मेरी बात हो रही है। ये मेरे गुणों का वर्णन हो रहा है, ये मेरे गुणों का चिंतन हो रहा है, ये मेरा स्वरूप बताया जा रहा है। अच्छा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, कभी मैंने जाना ही नहीं कि मैं ऐसा हूँ। कैसा उल्लास आता है, थकान नहीं लगती। यानी ये मेरी बात हो रही है तो बोरिंग नहीं होती उसके अंदर, कभी कभी भी बोरिंग नहीं होती, उल्लास बना रहता है। और इस उल्लास बने रहने के पीछे यही एक मूल कारण है कि मेरी बात हो रही है। जहाँ अपनत्व जुड़ जाता है वहाँ रुचि जो है वो बढ़ती जाती है, और रुचि आगे जाती है। जिस तरह से प्यासे व्यक्ति को पानी की तो खोज है, पर अभी पानी मिला नहीं है, पर पानी के बारे में कोई समझाता है तो थकान लगती है वहाँ पे उसे नहीं। यानी उसे लगता है जिसकी मुझे खोज थी, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा है, तब उल्लास आता है। अरे यही तो मैंने सोचा था, ऐसा ही तो मैंने चाहा था, यही तो मुझे सुनना था, ऐसा ही तो मुझे समझना था। जब ऐसी बात भीतर में जागती है तब जानना मुझे उल्लास आया है, मुझे उत्साह आया है, मेरी रुचि जागी है। ये इसका पैमाना है, और भी बहुत से पैमाने हो सकते हैं, पर ये दो भी याद रखेंगे तो अपना थर्मामीटर खुद ही चेक हम कर सकते हैं। बहुत सुंदर सबने बताया अपना चिंतन। नंबर थ्री, जीवन अनित्य एवं जीवन में जो मिला वह भी अनित्य है, क्योंकि हाँ जी रेणु जी बोलिए। हाँ जी रेणु जी, वो भी हाँ बिल्कुल सही। बहुत सुंदर। जीवन अनित्य, जीवन इटसेल्फ, हाँ जीवन इटसेल्फ ही कर्म का उदय है, कर्म का फल है। और जीवन में जो कुछ मिला ए से लेके जेड तक, है ना, जो कुछ भी मिला वो सब कुछ कर्म का उदय है, इसलिए अनित्य है। जो कभी भी एक दिन ऐसा आएगा कि सारे कर्म के उदय क्या हो जाएगा, कर्म जीरो हो जाएगा और हम मोक्ष में होंगे। और इसलिए कहा कि जीवन अनित्य और जीवन में जो कुछ मिला वह भी अनित्य। अब देखिए कि ये सुनने के बाद इसी समय ऐसी फीलिंग किसी को आती हो कि अरे क्या है ये, जीवन भी अनित्य, जीवन में जो मिला वो भी अनित्य, जीने में तो कोई सार नहीं है, जीवन में जो मिला उसमें कोई सार नहीं है, ये सब असार है। कैसी निराशा आएगी जीवन में, आएगी कि नहीं आएगी? यानी ये चाहे अनित्य वाला पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है, पर रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए इसका। यानी कहीं कोई ऐसा ग्रहण ना करे इसे कि अरे जीवन भी अनित्य और जो मिला वो भी अनित्य है, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है और जो मिला वो सब जाने के लिए मिला है, तो क्या कर रहा हूँ, ये जीवन ही मुझे नहीं जीना, ये जीवन में कुछ नहीं रखा, इन चीजों के अंदर कुछ नहीं रखा, तो इसके लिए ये हम नहीं जान रहे हैं। भाव क्या ग्रहण करना है, भाव ये ग्रहण करना है कि ये सब कुछ अनित्य है तो नित्य क्या है, उस तरफ जाना है। ये सब अनित्य है, ये सब असार है, तो नित्य कौन है, सार कौन है? नंबर वन।
नंबर टू, यदि ये सब अनित्य है, जीवन भी अनित्य, जीवन में जो मिला वो भी अनित्य है, तो फिर नंबर टू में ये चिंतन चलना चाहिए कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। और गहरा कर दे एक पॉइंट कि जीवन अनित्य है और जीवन में जो मिला वो भी अनित्य है, इसलिए मैं उससे अभी की अभी अलग हूँ। ये जो मिला है, जो जुदा होना है ना, जो जुदा होना है उससे मैं अभी जुदा हूँ। ये जो अनित्य है इससे मैं अभी अलग हूँ। ये तो जब ये अनित्य यानी जब ये बिखरेगा, टूटेगा, फूटेगा, तब ये अनित्य होगा, ऐसा नहीं। ये अभी अनित्य है, इसी समय अनित्य है, इसी समय असार है, इसलिए ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं इससे निराला, मैं इससे न्यारा, ये फीलिंग आए तब जाकर के जीवन अनित्य और जीवन में जो कुछ मिला वो अनित्य, जो आपको उत्थान की तरफ ले जाएगा। वरना कोई ऐसा भी सोचने लग जाए तो फिर तो डिप्रेशन आएगी उसे, पर ये डिप्रेशन के लिए नहीं है, तो उल्लास के लिए है, ये तो अपनी पहचान के लिए है। इसलिए साथ साथ चिंतन उसका अपने जीवन के साथ, अपने जो मिला उसके साथ कैसा चिंतन करके हम अपनी तरफ आ सकते हैं, उस पे जोर सबका जाना चाहिए। बहुत सुंदर, आगे का प्रश्न। हाँ जी सुरेश जी। हाँ जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, तो क्या जुर्म है इसका पता ही नहीं। पर जिंदगी को ना सजा मानो सुरेश जी, ना मजा मानो। ना जिंदगी मजा है, ना जिंदगी सजा है, जिंदगी तो ऐसी है जो राजा की याद दिलाती है। ना ये मजा है, ना ये सजा है, ये तो आत्म राजा की याद दिलाती है, यदि हम अंतर्मुखी हो जाए, यदि हम सार की तरफ आ जाए। इसलिए सजा और मजा दोनों को ही त्रास, अपने आत्म राजा की तरफ आने का भाव रखे। और किन्हीं की आवाज थी कुछ बोलने के लिए? महाराष्ट्र की इस हाँ। जीवन से तो हमें मोक्ष भी मिल सकता है, सम्यक दर्शन भी मिल सकता है। ठीक बात तो है। फिर उदासी क्यों? उदासी क्यों? बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। उदासी अगर आती हो तो ये पॉइंट भी है, और अन्य जीवन से भी सम्यक दर्शन तो मिल सकता है, ये बात भी सही है। हाँ, और मनुष्य जन्म से, जीवन से मोक्ष का रास्ता खुलता है, जीवन मोक्ष नहीं देता, ये भी याद रखना है। क्योंकि अनंत बार ये जीवन मिला, अनंत बार जीवन मिला परंतु मोक्ष नहीं मिला हमें। अनंत बार जीवन मिला पर मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि कभी तो इस जीवन को मजा माना, कभी जीवन को सजा माना, कभी भी आत्म राजा को याद नहीं किया। तो यही पॉइंट पकड़ के इसकी गहरी परावर्तना करके हम इस जीवन से लाभ उठा सकते हैं। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान प्रश्न है और इसका जवाब न मैं समझती हूँ कि हर कोई दे सकता है। नंबर फोर, आज तक अनंत दुख पाया क्योंकि एनी दूसरे को चांस देते अपन, है ना? एनी से अलावा और किसने बताना हो, जिन्होंने अभी तक चांस नहीं लिया हो, लेना चाहते हो, हिचकिचाहट रख रहे हो, वे जरूर चांस ले। कोई ना सोचे मेरा उत्तर गलत आएगा, मुझे बोलना नहीं आता, ऐसा तो सोचो ही मत। बोलिए। हाँ जी, सुनीता बोल रहा हूँ। हाँ जी सुनीता जी बोलिए। हाँ मैंने आज तक अनंत दुख पाया क्योंकि मैंने अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है, टू दी पॉइंट आंसर है। निज स्वरूप को नहीं जानने से मैंने आज तक अनंत दुख पाया। हाँ जी, और भी कोई नाम था भावना का या नाम आ रहा था इसके अलावा? कोई उत्तर है भावना आपका? नहीं, यही उत्तर था। हाँ, उत्तर तो बिल्कुल सही है, बट इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, है ना? क्योंकि सिर्फ निज स्वरूप को नहीं जाना, इसके लिए अनंत दुख नहीं पाया। हाँ, जे स्वरूप समझा बिना, यानी इस स्वरूप को मैंने समझा नहीं, जाना तो है मैं आत्मा हूँ, कई बार जाना है, आज भी जान रहे हो, तो अनंत दुख तो नहीं खत्म हो रहा।
जे स्वरूप समझा भी ना, समझ शब्द बहुत गहरा है और समझ के अंदर जाना भी सम्मिलित है, माना भी सम्मिलित है, पहचाना भी सम्मिलित है। यानी स्वरूप को जानना है, पहचानना है, मानना है, तब जाके निर्णय होता है। सबसे पहले स्वरूप का क्या होता है? निर्णय। पहले निर्णय बुद्धि से होता है ना, पहले निर्णय होता है बुद्धि से, फिर उसका निश्चय होता है कि जो हम मान रहे क्या वाकई में ऐसा है, फिर प्रयोग होते हैं, फिर निश्चय होता है और फिर जाके अनुभव होता है, तब अनंत दुख की श्रृंखला पे ब्रेक लगती है, यानी अनंतानुबंधी टूटती है। उसी का नाम क्या है? अनंत दुख जो है समाप्त होते हैं। तो कौन से स्वरूप को? निज स्वरूप। बहुत सुंदर शब्द सुनीता जी ने लिया था, निज स्वरूप को जाने बिना, माने बिना, पहचाने बिना, निर्णय किए बिना, निश्चय किए बिना और अनुभव किए बिना आज तक मैंने अनंत दुख पाया है। अब ये नेगेटिव वाला छोड़ देना, बीच में एक आवाज आ रही थी कि मैं पर में अटका, मैं पर में चला गई, सब नेगेटिव है और इन सब का इतना जंजाल है, इतना बड़ा पसारा है, इतना बड़ा संसार है कि थकानी लग जाए। इसलिए एक को जानो बस, जो भगवान महावीर जी ने बोला, एक को जान लो, एक को मान लो, एक को पहचान लो। और वो एक कौन है? निज शुद्ध आत्मा। अभी अभी महाराज जी ने आपको बताया, आत्म राजा को पहचानो, आत्म राजा को जानो। और आप जानते हैं व्यवहार के अंदर भी यदि किसी राजा के स्वरूप को, राजा की महिमा को, राजा के गुण को आप जब अच्छे से समझते हो, जानते हो, तो अपने आप ही उसे राजा मानने का मन करता है। किसी व्यक्ति के बारे में आपने कुछ सुना हो, कुछ जाना हो और कुछ जो है जानने के बाद कि व्यक्ति बड़ा ग्रेट है, बड़ा ग्रेस है उसके बोलने में, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है, बहुत कम शब्दों में नपातुला वो बोलता है, यानी ऐसी बाहर में भी किसी व्यक्ति की महिमा आती हो तो मिलने का कितना मन करता है उस व्यक्ति से, कितना उत्साह जागता है उसे मिले। यानी जिसकी महिमा सुनने के बाद रहा ना जाए, जिसकी महिमा समझने के बाद उस महिमा को माने बिना ना रहा जाए, और मानने के बाद केवल मानने तक ही सीमित ना रहे, उससे मिलने का मन करे, मिलना ही नहीं उसके सेवा में रहने का मन करे, उसी में लीन होने का मन करे, तो समझ लेना सही अर्थों में हमने राजा को जाना, आत्म राजा को जाना, उसे माना और उसमें लीन होना, और इसी का नाम है अनंत दुख से मुक्ति। तो आत्मा को जानेंगे, आत्मा को मानेंगे, आत्मा में लीन होंगे और यही सच्चा स्वरूप है। जिस स्वरूप को आज तक नहीं समझा तो अनंत दुख की क्या हुई है? हमें प्राप्ति हुई है। यानी पॉइंट आपको क्या पकड़ के रखना है कि अनंत दुख को मिटाने के लिए मुझे अनंत दुखों पर काम नहीं करना है। अनंत दुख जिन कर्मों से मिले हैं उन कर्मों पे काम नहीं करना है। इन कर्मों से, इन दुख से मैं न्यारा हूँ, जिसका प्रवेश ही जिसके अंदर नहीं है वो मैं हूँ, उस तरफ जाना है। ये पॉइंट पकड़ के रखेंगे तो निराशा तो कभी आएगी नहीं। और ये शॉर्टकट है जहाँ अपने स्वरूप को समझने का, जानने का, मानने का, निर्णय करने का ही बारंबार हम अवसर लेते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी ऑब्जेक्टिव टाइप शैली का लास्ट प्रश्न है, अनित्यता का चिंतन जरूरी है क्योंकि मैं जी बोलिए। हाँ प्रिया बोलो। अनित्यता का चिंतन जरूरी इसलिए क्योंकि जब तक अनित्यता नहीं आएगी तब तक अंतर्मुखता नहीं आएगी। बहुत सुंदर टू द पॉइंट उत्तर प्रिया ने दिया है। अब इसको थोड़ा गहरा करते हैं। इस बारे में किसी को और कुछ बोलना है तो बोले, इसको थोड़ा खोलते हैं। बहुत प्रयोगात्मक ये वाक्य है और बहुत भाव इसके अंदर भरे हुए इस वाक्य में।
अनित्यता का चिंतन जरूरी है। रिची कुछ बोलना चाहते हो? महाराज जी, अनित्यता का चिंतन करेंगे तो उसकी असारता का बोध होगा, और जब तक असारता का बोध नहीं होगा हम नित्यता की तरफ जा नहीं पाएंगे। नित्यता की तरफ क्लास तभी बढ़ेगा जब अनित्यता की असारता का बोध होगा। बहुत सुंदर कहा रिची ने। और किसी ने कुछ कहना है इस बारे में? अगर नित्य को पाना है तो अनित्य की चिंतन करना ही पड़ेगा। नित्य को पाने के लिए अनित्यता का चिंतन करना पड़ेगा। बहुत सुंदर, ठीक बात है। और किसी ने कोई लाइन बोलनी है इसके अलावा की? और मां साहब बिल्कुल स्टार्टिंग का ये अनित्यता का चिंतन जरूरी है, चिंता नहीं, मतलब जब चिंतन होता है तो उसे वो प्रवेश द्वार खुलता है नित्यता की बोलती है। ठीक बात है, गहराई की तरफ जा रहे शिल्पी ने थोड़ा गहरा एक द्वार खोल दिया। अब इसी से हम आगे चलते हैं। अनित्यता का चिंतन शब्द है, अनित्यता को कहना नहीं है। हम तो अनित्यता को कहने लग जाते हैं, जरा से कोई घटना घट जाए फिर 10 बार बोलेंगे लोगों को जाके, अरे कुछ नहीं रखा संसार में, यानी हमने आज तक अनित्यता को कहा है। चिंतन शब्द कितना मूल्यवान है ना, उसका वजन आज नाप रहे हैं। हमने अनित्यता को समझा नहीं, ऐसा नहीं माना नहीं, ऐसा नहीं, परंतु उस अनित्यता को समझने के बाद, मानने के बाद कहने में चले जाते हैं। यानी हमारी अनित्यता को खुद ही अनित्य बना देते, चिंतन की तरफ नहीं ले जाते हैं। तो अनित्यता को कहना नहीं, नंबर वन। अनित्यता को जानना, कुछ लोग होते जो बोलते कम हैं, जान लेते हैं, जान लेते हैं कि ये संसार अनित्य है, ये परिवार अनित्य है, ये वस्तुएं अनित्य आदि आदि, यानी इससे भी चिंतन नहीं घटित हुआ, जान लिया उसने, मुझे पता है। जो भगवान ने कहा, हम भी कहते हैं कि संसार अनित्य है, जीवन अनित्य है, वो जान लिया उन्होंने, परंतु चिंतन नहीं किया। चिंता ही करेंगे, और चिंतन भी नहीं किया, चर्चा कर लेते, चिंता नहीं करते कई बार सुरेश जी, तो चर्चा कर लेते हैं, या चर्चा करते हैं, या फिर हम चिंता कर लेते हैं, पर चिंतन क्यों नहीं घटित हो पाता? चिंतन इसलिए नहीं घटित हो पाता, मूल्यवान पॉइंट ये है कि हम उस बात को, उस घटना को, जो भी घटना है बात है, उस घटना को हम अपने साथ रिलेट नहीं करते। हम अपने साथ रिलेट करने का मतलब क्या है कि जो अनित्यता 10 साल के बाद घटित होने वाली है, उसको हम आज अभी की अभी अपने नजदीक में नहीं देखते हैं। जैसे सबको पता है कि जीवन अनित्य है, मरना है एक दिन, सबको पता है ना, वो एक दिन मरना है तो बहुत सुकून आता है, सबको मरना है बोलो तो और सेटिस्फेक्शन आ जाता है। कोई मैं एक अकेला ही नहीं मरूंगा, सभी दुनिया के लोग मर रहे हैं, चिंतन नहीं होता इसमें। एक दिन मरेंगे, चिंतन नहीं होगा, सबको मरना है, चिंतन नहीं होगा, अरे वो बहुत छोटी उम्र में चला गया, बहुत दुख हो रहा, इससे चिंतन नहीं होगा। चिंतन कब होगा कि जो घटना एक दिन घटेगी उस दिन अनित्यता सिद्ध होगी, ऐसा नहीं, ये अभी ही अनित्य है। जैसे जिन्होंने भी चिंतन किया अनित्यता का, आपको पता है चिंतक हुए लाओत्से करके, और उन्होंने चलते चलते पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे और एक पीला पत्ता पेड़ से नीचे गिरता हुआ देखा, एक पीला पत्ता, और फिर क्या उद्गार निकले, क्या रिलेट किया कि मुझे तो ये सारे पत्ते पीले ही दिख रहे हैं, मुझे ये सारे ये पीले होंगे, ये गिरेंगे तब ये पत्ते अनित्य हैं, ऐसा नहीं। ये जीवन जब समाप्त होगा, जब मौत आएगी तब मर जाएंगे, जान लिया जीवन अनित्य है, इससे चिंतन घटित नहीं होता। जिन्होंने भी, गौतम बुद्ध ने भी जब ये जाना कि एक दिन मौत की घटना घटने वाली है, तो उन्होंने मान लिया, इसी क्षण मर गए, क्योंकि एक एक सांस, भाव मरण तो हर समय चल रहा है, इसी क्षण मर गए। ये है अनित्यता का चिंतन, ये चिंतन का वजन है, ये चिंतन में वजन है कि जो घटना घटने वाली है जब घटेगी तब उसे अनित्य मानेंगे, ऐसा नहीं, वो अनित्य है इसलिए हमने मान लिया, ऐसा नहीं। इसी समय ये अनित्य है, तब जाके नित्यता का द्वार खुलता है। अनित्यता की असारता तभी भाषित होगी जब नित्य की तरफ दृष्टि तभी आएगी जब अनित्यता का चिंतन होगा, तो अंतर्मुखता घटेगी। बहुत सुंदर उत्तर दिया था, अंतर्मुखता घटित होगी क्योंकि हमारा
अनित्य वाला चिंतन बहिर्मुखी रह जाता है, अंतर्मुखी नहीं हो पाता चिंतन के अभाव में। इसलिए पहली भावना का नाम ही क्या दिया है, अनित्य भावना दिया है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराएंगे महाराज जी आपको। अब सेकंड टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप है ये भी, और ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आपको डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस कमेंट ट्रू है या फॉल्स है विथ वाई। क्वेश्चन नंबर वन, जब तक कर्म है तब तक मैं जानने वाला भी हूं और मैं करने वाला भी हूं। ट्रू क्यों है ये उत्तर? जिन्होंने उत्तर दिया उन्हीं को पहले चांस देते हैं। रीटा जी ने उत्तर दिया, रीटा जी सही है। ये सही क्यों है रीटा जी, ये सही क्यों है? ये जीवन ही कर्म है, जब तक कर्मों का उदय होगा हम चीजों को जानेंगे और करेंगे। तो फिर रीटा जी जब हम कर्म का उदय यानी ये आयुष्य जब खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा जानना जानना भी खत्म हो जाएगा क्या? जानना जानना खत्म नहीं होगा तो फिर आत्मा का। हाँ तो फिर आप एक बार इसको फिर से पढ़ के देखिए, जब तक कर्म है तब तक मैं जानने वाला भी हूँ और करने वाला भी हूँ। तो क्या मैं करने वाला भी हूँ क्या? हाँ, आत्मा करता है, आत्मा करने वाला है कि आत्मा जानने वाला है? है ना, आत्मा जानने वाला है, आत्मा करने वाला नहीं है। इसलिए रीटा जी संशोधन करना इस वाक्य के अंदर, जो आपको सही जैसा लगा पर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। समझ आ गया आपको कि? हाँ, अब रूबी जैन का भी एक नाम आया था, उन्होंने उत्तर देना है तो दीजिए। हाँ कि मैंने यही बोला था कि ये फॉल्स, हाँ ये फॉल्स है। और क्यों है ये भी बताओ रूबी। फॉल्स इसलिए है क्योंकि जानने वाला तो मैं सदा ही रहूंगा ना, चाहे कर्म का उदय है चाहे नहीं है। अगर सिर्फ परमात्मा भी है तो उनके कर्म का उदय पर जानने वाला ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी जब तक कर्म है तब तक मैं जानने वाला भी हूँ और करने वाला भी हूँ। ये क्या है, ये रॉन्ग है सेंटेंस। और क्यों रॉन्ग है? क्योंकि कर्म से तो जानना जानना होता नहीं है, है ना? और करने वाला भी मैं नहीं, वो तो कर्म का उदय है। कर्म का उदय एक दिन समाप्त तो हो जाएगा परंतु जानना जानना कभी भी समाप्त तो होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि वो मेरा स्वभाव है, वो मेरा स्वरूप है, इसलिए। ठीक हो गया, सबको समझ आ गया सेंटेंस? नेक्स्ट प्रश्न, कर्म का चिंतन करते करते धर्म प्रकट होता है। बताओ कर्म का चिंतन करते करते धर्म प्रकट नहीं होता, लेकिन विपाक चिंतन बहुत सुंदर। विपाक कर्म का चिंतन नहीं करना लेकिन विपाक का चिंतन करना है कि दुख मैं नहीं हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी कर्म का चिंतन करते करते धर्म प्रकट होता है ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म का चिंतन करेंगे तो क्या होगा, कर्म को कोसेंगे, कर्म के निमित्तों को कोसेंगे, दृष्टि कहाँ जाएगी? पर पे। और पर पे दृष्टि जाए तो धर्म कभी नहीं होगा। पर के लक्ष्य से धर्म नहीं होगा, स्व के लक्ष्य से धर्म प्रकट होता है। इसलिए कर्म के चिंतन से क्या नहीं होगा, धर्म प्रकट नहीं होगा। हाँ यदि कोई कर्म का चिंतन करते करते या कर्म फल का चिंतन करते करते अंतर्मुखी हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए यानी अपनी तरफ आ जाए, अपनी तरफ लौट आए, स्व को लक्ष्य बनाए, यानी शुरू किया था कर्म फल चिंतन से या कर्म के चिंतन से, मान लीजिए कर्मों को दोष देते देते भी चिंतन घटित हो गया उसका और लौट आया किसके ऊपर, अपनी तरफ, स्व की तरफ लौटेंगे तो धर्म प्रकट होगा। स्व के लक्ष्य से धर्म प्रकट होगा, स्व यानी मैं निःशुद्ध आत्मा, और कर्म के लक्ष्य से यानी पर के लक्ष्य से
कभी भी धर्म प्रकट नहीं होता, ये भाव गहराई से इसमें हमें समझना है। तीसरा प्रश्न, भेद को मात्र जानना ही नहीं बल्कि भेद करना भेद विज्ञान है, ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? पहले आप ये बताओगे और फिर उसका क्यों आप बताओगे। यदि राइट है तो क्यों राइट है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है? आस्था बताओ। हाँ जी आस्था, भेद को मात्र जानना ही नहीं बल्कि भेद करना भेद विज्ञान है, ये फॉल्स है। हाँ? बिकॉज करना तो हम कार्य ही नहीं है, मात्र जानना ही आत्मा का कार्य है। बहुत सुंदर। इसलिए ऑलरेडी है, वो समझना है और उसी को जानने में आ ही जाएगा। बहुत सुंदर। और कोई इसके अलावा, बहुत सुंदर ये उत्तर है, लेकिन इसके अलावा और कोई किसी ने अपना कोई व्यू पॉइंट देना हो इसके अलावा का? हाँ जी शिल्पी। हाँ मारा साहब, ये फर्ज ही है, भेद को मात्र जानना ही नहीं बल्कि भेद मानना, मतलब उसमें अपनापन करके, कि मेरी जो उनसी पार्टी है उसमें अपनापन करना, जानना जब सही हो जाता है जानना, जैसे वो भी। अच्छा ठीक बात है। और कोई है किसी का व्यू पॉइंट इसमें? अब देखिए बहुत सुंदर वाक्य था, एक भेद विज्ञान शब्द है जिसपे बहुत जोर होता है प्रत्येक साधना में, और भेद विज्ञान ही वह साधना है जो सिद्धालय का द्वार खोलती है। तो भेद को मात्र जानना ही नहीं बल्कि भेद करना भेद विज्ञान नहीं है, जैसा आस्था ने बताया, करना तो मेरा स्वरूप नहीं है। और देखिए भेद करना तो हिंसा हो जाएगी, अब हम बोले कि मैं और शरीर भिन्न हूँ, इसका भेद करेंगे यानी भेद करने का मतलब इसको हटा देंगे तो हिंसा है। तो भेद करना भेद विज्ञान नहीं है, वो तो हिंसा है। और भेद जानना शिल्पी, मानना भी नहीं, इसमें मानने में भी सूक्ष्म करेंगे हम, भेद जानना बोला अभी, मानना नहीं बोला, मानना बोलेंगे तो कहाँ गलत हो जाएंगे वो देख लेते हैं। भेद जानना भेद विज्ञान है, क्योंकि भेद विज्ञान में दो पार्टी है, एक अपनी पार्टी एक सामने वाली पार्टी है। और भेद विज्ञान का मतलब है भेद जानना, बस भेद जानना कि वो मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ, पर वो मैं नहीं हूँ ये किसके बल पे जान रहे हैं, ये किसके बल पे जान रहे, स्वरूप के बल पे, अपने बल पे। यानी अपने बल पे जानने के बाद अपनापन दो पार्टी में नहीं एक पार्टी में होगा, भेद तो दो पार्टी में जाना जाएगा, भेद दो पार्टी में जाना जाएगा, परंतु मानने में एक ही पार्टी होगी, है ना शिल्पी को याद आ गया? श्रद्धा गुण के पर्याय का नाम मानना है, और मानना जो है वो 100% होता है, या तो इधर होता है या इधर होता है, इसलिए उसको श्रद्धा को भेद विज्ञान में नहीं रखा। ये बहुत सूक्ष्म बात है, अभी भेद विज्ञान का टॉपिक हमारा पॉज लगा हुआ है। भेद विज्ञान जो है वो श्रद्धा का विषय नहीं है, श्रद्धा का रिजल्ट लाता है वो, परंतु भेद विज्ञान जो है विज्ञान ही बताता है कि ज्ञान से ही निर्णय होता है, ज्ञान से निर्णय होता है ये मैं नहीं हूँ ये मैं हूँ। और ज्ञान का कार्य जानना है, ज्ञान का कार्य करना नहीं है, और ज्ञान का कार्य मानना भी नहीं है। तो भेद विज्ञान के अंदर भेद जानना है, भेद करना नहीं है, भेद करना हिंसा है, और भेद जानना साधना है। और भेद जानने के बाद दोनों पार्टी में अपनत्व नहीं करना, स्व में अपनत्व करना है, इसलिए भेद विज्ञान के साथ मानना शब्द भी नहीं चलता और करना शब्द भी नहीं चलता, ओनली जानना। इसलिए विज्ञान शब्द कहा, ज्ञान से संबंधित ही शब्द कहा, भेद ज्ञान भी बोलो तो कोई गलत नहीं हो गया है, तो वो ज्ञान का ही विषय रहा, परंतु मानने के साथ और करने के साथ हम इसे नहीं जोड़ते हैं। ठीक हो गया शिल्पी? देखिए जब श्रीखंड शब्द को हम बोलते हैं तो श्रीखंड कहते ही दो तत्व याद आते हैं, कौन कौन से? एक है दही और एक है चीनी। अब एक जो है दही और चीनी, इन दही और चीनी का एक मिश्रण है। अब जैसे ही आपने जबान पे श्रीखंड को रखा तो रखते ही आपको दोनों का बोध हो गया,
दोनों का बोध हुआ, श्रीखंड का बोध हुआ यानी दही और चीनी का बोध हुआ। अब जैसे ही आपको दही और चीनी का बोध हुआ और आप कहे इसको मैं भेद करता हूँ, पॉसिबल है? अब जो आपने जबान पे रखा हुआ है उस मिश्रण में से चीनी को हटा देता हूँ क्योंकि चीनी मुझे खानी नहीं है। यानी उस समय यदि आप भेद करना चाहें कि भेद कर दूं और चीनी को हटा दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप उस समय जब आपने जबान पे रखा हुआ है तब आप भेद जानते हो, भेद जानते हो, भेद कर नहीं सकते हो क्योंकि वो मिश्रण है और उस मिश्रण के अंदर आपको ये पता है कि दही जो है वो खट्टे खट्टे के रूप में आपने जाना और जो मिश्री है जो चीनी है उसको मीठे के रूप में जाना। दोनों के स्वभाव को जानना और उसके अंदर एक पक्ष में अपनत्व करना, एक पक्ष में जले जाना, एक पक्ष को प्रमुख बनाना, उसका नाम ही तो साधना है। उसी का नाम भेद विज्ञान की साधना है। यानी भेद करना नहीं है, भेद जानना है। अब चौथा प्रश्न है, जिसके बिना भी मैं रहता हूँ वही मैं हूँ। जिसके बिना भी मैं रहता हूँ वही मैं हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, वो लोग चांस ले सकते हैं जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिए हो और देना चाहते हो। कोई कंपलसरी नहीं है उत्तर देना, पर जिनके भीतर उल्लास है और उन्हें चांस न मिलता हो तो पहला चांस उन्हें देते हैं। हाँ तुषार भाई बोल रहे। हाँ पर के बिना मैं रहता हूँ और पर के बिना ही मैं रह सकता हूँ। हाँ तुषार भाई, ये सेंटेंस राइट लग रहा कि रॉन्ग लग रहा आपको, पहले ये निर्णय दीजिए। राइट है मालक सर, राइट लग रहा है। अच्छा फाल्गुनी आप बताओ। हाँ मारे जी, ये सेंटेंस फॉल्स है। जिसके बिना भी मैं रहता हूँ वही मैं हूँ। नहीं, मैं अनित्य के बिना भी रहता हूँ, मैं नित्य हूँ। या संयोग के बिना भी मैं रहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रयोग के लिए बहुत सुंदर सेंटेंस है कि जिसके बिना मैं रहता हूँ वह मैं हूँ। ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? राइट मानेंगे तो क्या होगा? जिसके बिना मैं रहता हूँ वह मैं हूँ, वही मैं हूँ। मैं तो शरीर के बिना रहता हूँ तो वही यानी शरीर में हूँ क्या? नहीं। इसलिए जिसके बिना भी मैं रहता हूँ वह मैं नहीं हूँ। ये चिंतनात्मक प्रश्न है, ये प्रयोगात्मक प्रश्न है और इसके बहुत से प्रयोग आज भी करके देखना कि मैं किसके किसके बिना रहता हूँ, तो उन सबको लिस्ट में से निकालना। मैं कर्म के बिना रहता हूँ कि नहीं रहता? रहता हूँ ना, सिद्धालय में अनंत आत्माएं रह रही हैं, राग द्वेष के बिना रह रही हैं। इसलिए मैं कर्म नहीं, मैं राग द्वेष नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं ये वस्तुएं नहीं। इसलिए सारे ना की लिस्ट बन जाएगी और फिर जो वो बचेगा वो परिपूर्ण मैं हूँ, वो नित्य मैं हूँ, ऐसा अंदर में विश्वास हमारा सघन होगा। इस वाक्य का जिनको लगा हो कन्फ्यूजन इस वाक्य में, फिर से इसे पढ़े, सुने, चिंतन करे और प्रयोग करे। लास्ट क्वेश्चन, कर्म सिद्धांत है और कर्मफल अनुप्रेक्षा है। कर्म सिद्धांत है और कर्मफल अनुप्रेक्षा है। पहले राइट और रॉन्ग का निर्णय कर लेना, फिर क्यों बताना, तो आपको बहुत इजी लगेगा। हाँ जी नीलम जी बोलिए, फिर उसके बाद नीता जी बोल सकते हैं। हाँ महाराज जी, मेरे ख्याल से ये फॉल्स है। अच्छा, क्योंकि कर्म फल पे भी अनुप्रेक्षा नहीं करनी है। अनुप्रेक्षा को केवल चिंतन करना है स्वरूप का ही। अच्छा, तो ये कर्म फल की भी चिंतन नहीं हम कर सकते हैं क्योंकि फिर उसी में अटक के रह जाएंगे। ठीक है, मतलब कर्म सिद्धांत से कर्म की अनुप्रेक्षा करो ऐसा नहीं इस सेंटेंस में घोषित हो रहा नीलम जी। कर्म सिद्धांत है ऐसा बोल रहे और कर्म फल अनुप्रेक्षा है ऐसा बोल रहे। नहीं महाराज जी, कर्म तो सिद्धांत है। हाँ, लेकिन कर्म फल अनुप्रेक्षा नहीं हो सकता। ओके ठीक बात है, अनुप्रेक्षा नहीं कर सकता। अच्छा जी ठीक है, नीता जी बताइए।
कर्म सिद्धांत, ये ट्रू है हमारे साहब, मुझे लगा पहले कर्म सिद्धांत है और कर्म फल या कर्म विपाक तो उसका चिंतन तो अनुप्रेक्षा की तरफ ही ले जाए। अगर आपको ट्रू लगता है तो इसका क्यों भी बता दीजिए नीता जी। क्योंकि मतलब अनुप्रेक्षा में या चिंतन के अंदर हम ये करेंगे कि ये जो कर्म फल है इसके बिना भी मैं, इसके पहले भी मैं था और इसके बाद भी मैं रहा। ठीक ठीक बात है, सुंदर बात है। और किसी ने इस वाक्य को रॉन्ग लगता हो या किन्हीं को राइट लगता हो तो फिर से चांस देते हैं और किन्हीं को भी। महाराज जी रेणु। हाँ रेणु जी बोलिए। ये ट्रू लग रहा है महाराज जी। हाँ कर्म तो सिद्धांत है ही है और हम फल की अनुप्रेक्षा करते करते चिंतन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत सुंदर। यानी ये धारणा में आ रहा है सबको कि कर्म सिद्धांत है और कर्म फल अनुप्रेक्षा है। ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस सही है क्योंकि, ये क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। क्यों सही है ये? क्योंकि सबने जो भी उत्तर दिए वो लग रहे वाले उत्तर दिए, ठोस उत्तर नहीं दिए। कर्म जो है वो सिद्धांत ही है। कर्म सिद्धांत है ना, भगवान महावीर जी ने चार सिद्धांत हमें दिए उसमें हम कर्म सिद्धांत बोलते हैं। तो जो सिद्धांत होता है वो अनुप्रेक्षा नहीं होता। सिद्धांत यानी जो त्रिकालिक है, सिद्धांत यानी समझ। सिद्धांत किसके लिए होते? समझने के लिए। सिद्धांत समझने के लिए होते। कर्म सिद्धांत में भगवान ने कहा कर्म को समझो और कर्म फल, कर्म फल अनुप्रेक्षा है। कर्म फल का एक नाम और दिया था हमने, जो भगवान महावीर जी के मुख से निकला हुआ नाम कौन सा है कर्म फल को? विपाक। याद आ रहा है ना, विपाक। विपाक अनुप्रेक्षा है, विपाक सिद्धांत नहीं है। विपाक यानी कर्म फल, कर्म फल की अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। अब कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, थोड़ा सा एक लाइन में समझ लेते हैं। कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि जितने कर्म बांधेंगे उतने कर्म भोगने नहीं पड़ेंगे। वो अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, वो नहीं, वो तो एक बहुत स्थूल परिभाषा है। डेप्थ वाली परिभाषा जैनिज्म के कर्म सिद्धांत की क्या है, जितने कर्म बांधे हैं उतने भोगने नहीं पड़ते, ये सिद्धांत है। पर इसकी अनुप्रेक्षा ही करते चले जाए, चिंतन ही करते चले जाए, अरे मुझे जितने कर्म बांधे होते भोगने नहीं पड़ेंगे, भोगने नहीं पड़ेंगे, तो कुछ हल निकलने वाला नहीं। ये समझ है, सिद्धांत हमें समझ देते हैं। और कर्म फल, कर्म फल का मतलब क्या है? कर्म फल दो ही होते हैं, या तो सुख या दुख, फिर उसके कितने नाम बना लो आप, परंतु कैटेगरी तो दो ही रहेगी, सुख या दुख। तो सुख और दुख को भगवान महावीर जी ने विपाक नाम दिया और इसके नाम से इतना बड़ा एक शास्त्र बनाया, विपाक सूत्र कहलाया, और सबने पढ़ा है अंतर्मुखी स्वयं सुखी विपाक संहिता। तो ये विपाक यानी कर्मफल, कर्मफल का दूसरा नाम क्या है? विपाक। और विपाक की भगवान ने अनुप्रेक्षा बताई है। अनुप्रेक्षा यानी चिंतन, बारंबार चिंतन करना, ये दुख नहीं था, ये सुख नहीं था, तब भी मैं था कि नहीं था, अब भी मैं इसके बिना भी रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, आगे सुख दुख नहीं होंगे तब भी मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये अनुप्रेक्षा करते करते एक दिन नित्य का बोध हो जाता है, सम्यक दर्शन होता है, आत्म दर्शन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। समापन की ओर है और अगला बोनस सेशन 6 से 10 इसकी परावर्तना महाराज जी कराएंगे, क्योंकि उनके पास तो प्रश्न अभी बहुत शेष रह गए हैं, अभी तो 10 ही प्रश्न हुए हैं। तो इसी में से वही आप सुन के रखना, चिंतन करके रखना, नहीं कुछ समझ आए तो पूछ लेना, वरना परावर्तना से हम अपनी समझ पक्का करेंगे। ये जो बोनस सेशन होगा मिरर नाउ का, वो 6 से 10 में ही रहेगा। आपको नए सेशन अभी सुनने के लिए नहीं है, आप इसी से सुने या इसी का आप चिंतन करके रखेंगे। इन्हीं भावों के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम 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 शुद्धात्मा